अष्टम क्लास के सभी भैया बहन, आज की क्लास में 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 11 का आंसर देखें। 8 में क्वेश्चन है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। इसका आंसर नो होगा। क्यों क्यों नो होगा? क्योंकि x एंड y आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। दो संख्या का प्रोडक्ट अगर 1 आ जाए तो वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो हमने देखा 8/9 इनटू, इसको हम जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो -9/8 आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आ रहा है, तो 1 आना चाहिए। अगर 1 आता तो रेसिप्रोकल होता या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता, -1 आया इसलिए 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन है, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, तो 9, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, 1 एंड -1 दो ऐसी संख्या है जो एक दूसरे वो अपने आप का रेसिप्रोकल है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, ये 11 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे थे, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज 1/-5, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिए, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, तो 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, तो उसका आंसर होगा 1 एंड -1। 1 का 1 अपने आप का रेसिप्रोकल है, -1 अपने आप का रेसिप्रोकल है। द रेशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव इज 0। 0 का एक ऐसा रेशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का और क्वेश्चन नंबर 11 का हमने आपको बता दिए हैं, ओरल बताए हैं, इसको नोट कर लेंगे। और ये 1.1 का रिवीजन हो गया, इसके पूर्व आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। फिर अगले अंक में हम लोग 1.1 या 2.1 शुरू करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक्स।